जरा खिड़की खोल के देखें व्यू क्या आ रहा है। ओ कुच्ची नहीं मारता पूरे, कुच्ची नहीं मारता तेरी बहन। आजा कुच्ची नहीं मारता पड़े, बोल रही थी ना मारता। बीबी 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 नहीं नहीं बीबी बीबी गल जाऊंगा मैं, गल जाऊंगा। नहीं नहीं मत करो बीबी, बहुत ठंडा है। अरे -9 है यार, छोड़ दो बीबी, मैं जैकेट भी अंदर रह गई। पागल गई थी। तो जी कॉफी पी रहे हैं बर्फ की वादियों में, बर्फ में बैठ के। जो मजा ये है ना, कहीं और नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं है। मेरी मान जाओ जिंदगी में और कुछ नहीं रखा, यही करो बस। तो जी हम लोग आ गए हैं बेबी। ये देखो, अरे दो हंसों का जोड़ा बना दिया इन्होंने। कितना प्यारा बनाया है। हाँ, ये देखो लाइट्स ऑन करो जरा, और लाइट्स इतनी है। नहीं नहीं लाइट्स है, और बेबी पता करो लाइट्स है, अभी बहुत है हमें। आते ही कुछ नया देखने को मिल गया, बताओ। हाँ अब जी ना लाइट्स, अब देखो कितना सुंदर बनाया है, ये देखो। तैयारी की है, 500 किलो का बैग तैयार किया है। हाँ? और हर 2 घंटे में कपड़ा बदल रही है औरत। मेरे ये 2 साल पुराना है दोस्तों, 2 साल पुराना, ये अब निकाला है। अब खिड़की खोलो, जब ये कमरा किस लिए लिया है कि जब अंधेरा हो जाए पहाड़ी ना दिखे। ले ले ले, गया गया पैसा, गया डूब गया। बहुत ठंडी है क्या? ओ नजारा देखो जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये रियल नहीं हो सकता, बाहर आओ। ओ माय गॉड, ओ माय बेबी, ये सच में नहीं हो सकता जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। ये क्या है बेबी? ये हम लोगों ने प्लेन से देखा था ऐसा। ये कैमरे में 50% भी नहीं आ रहा है बेबी, देखो सामने देखो और कैमरे में देखो। हाँ हाँ कुछ भी नहीं है कैमरे में। अब जो सेटिंग की है मैंने, इससे शायद आपको व्यू का जस्टिस मिले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पता है 10 मिनट यहाँ बैठे और कहती बीबी यहाँ बैठे नहीं तो क्या मजा किया फिर, यही तो व्यू है, यही तो जिंदगी है। और अभी ना बाग के अंदर गई है देखो, और अंदर से कह रही है बीबी अंदर आ जाओ, कोई मतलब नहीं है बाहर बैठने का, हम मर जाएंगे बाहर गल के। अंदर गई बाहर ही नहीं आ रही, 5 मिनट हो गए। मैंने कहा कहाँ गई कहाँ गई, तो देखो सोफे के पीछे छुपी हुई है। तेरी बीबी अंदर आ जाओ अंदर, और बता नहीं रही क्यों आ जाओ, क्योंकि उसे लग रही ठंड बहुत तेज। चलो जी भैया अंदर ही चलते हैं। भैया एस्ट्रे देख के ये ना सोचिए ना कि सिगरेट पी रहे हैं हम, ये होटल में रखी जाती है हर रूम में, पता चला लांछन लगा दिया। क्या हुआ? देखो मैंने तो अब देखा ही आगे। ओ अरे वाह, ये क्या आइस है क्या इसके ऊपर? छूना गरम है पानी एकदम। नहीं ये क्या है, आइस? वो है होगा अंदर झाग वाग है, लेकिन यार पूरा फ्लावर पेटल्स वगैरह, अरे कमाल है। फ्लावर पेटल, सॉरी रोज पेटल, पेटल ही पेटल, कितना अच्छा बना दिया यार। बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू ये ऑल। जी हम लोग निकल गए हैं अपने डिनर के लिए, डिनर करेंगे रूम में वापस आएंगे। और ये मैंने पहन लिया है अपना शॉल, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। और ये तो जो पहना है ये तो कुछ भी नहीं है, ठंड तो अब है तगड़ी वाली, मतलब रूम के अंदर भी बैठा नहीं जा रहा, कुड़कुड़ा रही हूँ मैं, जो कि वार्मर ऑन है फिर भी नहीं हो रहा। भाई कहाँ है हम, ये किधर है? टेम्परेचर -2 हो चुका है। हाँ -2 है टेम्परेचर, अभी और नीचे जाएगा -7 तक जाएगा। तो नहीं चलेगा ना ऐसे, चलेगा ऐसे सब। यहाँ पे आ गया है कुछ तो, और ये आया है इनका ब्रेड इन हाउस। मे भी गरम गरम है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट।
ये एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये क्या है द फोकाशिया ब्रेड और वो फोकाशिया तो समझ यू टू सर्व विद सम होममेड डिप्स द फर्स्ट वन इज ऑलिव टैपेनाड अच्छा एंड एप्पल मस्टर्ड मेड विद लाइक एप्पल सिनेमन जिंजर अच्छा एंड दिस इज द टोमेटो साल्सा थैंक यू बहुत फ्रेश है ये वाली ब्रेड यस यस बेबी वेरी नाइस ऐसा लगेगा आपको ना शेल होता है ना जैसे शेल बना हुआ है समुंदर का This we used to make in the basil pesto sauce, topped with pistachios. ये क्या कर रहे हो आप ये इतनी कमाल की जगह लोगों को पता कैसे नहीं है इधर लोग ज्यादा नहीं ऊपर बुफे खा रहे हैं उनको यहाँ लेके आओ पकड़ के लेके आओ And this is one of our like signature dishes. It's too good. It has a hint of Kashmiri herbs. अच्छा कश्मीरी हर्ब्स Kashmiri herbs and topped with pistachios. तो जी अभी आ चुके हैं पिज्जा पास्ता हम लोग खा चुके हैं पेट में जगह नहीं बची जरा सी भी तुम खा सकती हो ऑर्डर ज्यादा हो गया क्या लेकिन लगभग डिलीशियस रहा है एक एक पीस खा लेते हैं एक एक पीस तो ट्राई करेंगे जी हम लोग आ गए हैं रूम में खाना वाना खा लिया चेंज करूंगी और सो जाऊंगी आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में तब तक के लिए गुड नाइट जरा खिड़की खोल के देखें ठंड कितनी है और व्यू क्या आ रहा है ओ कुच्ची नहीं मारता पूरे कुच्ची नहीं मारता तेरी बहन आजा कुच्ची नहीं मारता पेड़े बोल रही थी ना कि अगर बेबी बैल्कनी में बैठे तो फिर मतलब गल जाऊंगा मैं गल जाऊंगा नहीं नहीं मत करो बेबी बहुत ठंड है अरे -9 है यार छोड़ दो बेबी मैं जैकेट भी अंदर रह गई पागल गई की गुड मॉर्निंग पीपल वेलकम बैक टू आवर चैनल ओहो इल्लो जी सुबह का नजारा यहीं से देख लो आप ये देखो जी ये रही हमारी गुड मॉर्निंग मैं चिढ़ा रही हूँ क्या सबको क्योंकि सबको स्नोफॉल अच्छी लगती है ना स्नोफॉल तो नहीं मिली देखे स्नो तो मिली है बड़ी खुशी हो रही है इधर बैठ के कुछ टाइम एंजॉय करना चाहते थे हम लोग लेकिन हम लोग फटाफट तैयार हुए क्योंकि हमारी है गंडोला राइड तो उसके लिए हमें जाना है हम लोग तैयार हो चुके हैं अरे मैं ऐसी कैसे लग रही हूँ भालू काफी कुछ गरम गरम पहना हुआ है लेकिन पता नहीं वो एनफ होगा कि नहीं होगा क्योंकि लास्ट टाइम भी वहाँ पे तो बहुत ठंड थी इस टाइम तो ज्यादा ही होगी लेकिन फिर भी चलो तैयारी के साथ जा रहे हैं हम लोग ये रहा अविनाश गुड मॉर्निंग गाइस गंडोला राइड पे जा रहे हैं फिर से भैया गंडोला राइड अब तो नाम सुन के ऐसा गंड गंड गंडोला हो जाता है ये क्या बोले तुम तो दोस्तों हम लोग एकदम रेडी हैं ब्रेकफास्ट करते हैं नीचे और फिर आपको मिलते हैं और साथ में हमने अपने वार्मर्स रख लिए कैप्स रख ली ठीक है और जूते तो नीचे चेंज होंगे बेबी और कुछ लेना है क्या नहीं नहीं पक्का चलो फिर चलो जी चलो और मैं आपको दूसरी बात ये भी बता दूं कि मेरे को रात को बिल्कुल नींद नहीं आई मैं सुबह 4 बजे सोई हूं और 8 बजे उठ गई 4 ही घंटे सोई हूं और फिर वो 4 घंटे बहुत गहरी नींद थी लेकिन देख लो उसके बाद भी मेकअप के साथ तैयार हूं और क्या ही चाहिए जिंदगी बताओ ब्लॉग में किसी को नहीं बताया कि मेरी रात को तबीयत कितनी खराब थी मतलब बेसिकली एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज्यादा तो सो ही नहीं पा रही थी फिर रात को ना इधर स्प्राइट मंगाई है मैंने स्प्राइट पी और उसके बाद जाकर थोड़ा सा अंदर का मामला ओके हुआ और 4 बज गए मेरे को अविनाश तो सो गया था फिर भी 4 बज गए मेरे को सोते सोते चलिए 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 मेरी टोपी कहाँ है मैं आज ये टोपी ले रही हूँ ये लाल ज्यादा नहीं हो रही है क्या यही ले लूँ क्या यही ठीक है ना रात को बजा रहे थे यही मॉर्निंग में बजा रहे हैं बताओ यार Hi, good morning. How are you? I hope you're looking after well. Everything is good. Thank you so much. Good morning. How are you? We'll be right back.
बस पहुंच रहे हैं गंडोला राइड के लिए और होटल से निकले हैं और निकलते ही मतलब हम अपने रूम से भी लटक सकते थे गंडोला राइड में, इतना पास है। बस ये निकले पार्किंग से बाहर, बाहर निकले और लेफ्ट हैंड साइड पे गंडोला राइड का गेट है। हमें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा क्या? हम लोग ना अभी कॉफी ऊपर जाके पियेंगे। ऊपर कहाँ कॉफी? और डोम में, डोम में पियेंगे ना आज। ये शब्बीर भाई, आप लोग को याद होगा पिछली बार गंडोला राइड कराई थी शब्बीर भाई ने हमें, इस बार भी हमारा पूरा सहयोग करते हुए हमारा सामान ले लेके लोग हमारा वेट कर रहे थे इस बार, इसलिए हमने आपके लिए कम सामान रखा। ओहो, तो ये शब्बीर भाई सामानों को पकड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि बर्फ हो गई एकदम पक्की फिसलने वाली, और हम चले गुलमर्ग गंडोला वेलकम्स यू की राइड पे। दोस्तों हमने सोचा हुआ था कि ऊपर गंडोला राइड में जाके रील बनाएंगे कुच्ची नहीं मारता पड़े उस वाले गाने पे महेश बाबू के, कुच्ची नहीं मारता पड़े फिर की लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ऊपर पुच्ची के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अरे सब भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, आज का बेस्ट पार्ट ये है कि रश नहीं है बिल्कुल भी इस समय, मतलब 5 मिनट में हमारा वो आ गए, हमारी बारी आ गई, हमारी टर्न आ गई 5 मिनट के अंदर। ये देखो क्या बात है शब्बीर भाई, हम सिर्फ तीनों को मिल गई सारी जगह। ये एक्साइटमेंट अलग लेवल की, मुझे लगता है जैकेट बंद कर देनी चाहिए ना मुझे, शब्बीर भाई बंद कर दो, सर फूट गया, सर थोड़ा सा फूटा है। जय माता दी, वाह जी वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं था यार, ये भी देखने को मिलेगा, वाह। अगर ये और स्नोफॉल हो गई होती तो ये पूरे पेड़ वाइट दिखते हैं मेरा, पूरा 4-5 दिन पहले पूरा यहाँ पे स्नो था इसके ऊपर। अच्छा वो पिघल गया, पिघल गया। जी शब्बीर भाई ने आइडिया दिया कि सबसे पहले हम लोग फेज 1 पे उतरेंगे, ट्रॉली चेंज करेंगे, सीधा फेज 2 जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी कम भीड़ होगी, फेज 2 करके वापस फेज 1 पे आएंगे, फिर जितनी भी अपनी स्नो एक्टिविटीज हैं वो सब करेंगे, चाहे स्नो बाइक चलाना है, स्लेज राइड है, व्हाटएवर। तो बड़ा अच्छा आइडिया है, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं फेज 2 पे। कितने हजार फीट है वो? 14,000 फीट, 14,000 फीट पे जा रहे हैं सबसे पहले, तो लंबी लंबी सांस ले लेते हैं, पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा हम लोगों ने किसी को जब गिरते हुए देख लिया था ना, थोड़ा बेहोश हो गया था हमारे सामने वो लड़का, इसलिए हम लोग ज्यादा एंग्शियस हो गए, हम लोग थोड़ा घबराहट हमें ज्यादा हो गई थी। इस बार वैसे भी उससे नहीं जा रहे हम लोग, तो इस बार हम लोग सबसे पहले उल्टा करेंगे, हम लोग हम फेज 1 की जगह फेज 2 जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ घूमेंगे थोड़ा सा जल्दी से, वहाँ पे ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो जो करने के लिए है वो फेज 1 पे है, तो वापस आएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कॉफी पियेंगे, कॉफी पीने के बाद फिर हम लोग बाइक राइड करेंगे, हो सका तो स्लेज राइड करेंगे दोस्तों। जी हम लोग बहुत लकी थे कि फेज 1 को क्रॉस करते करते हमें फटाफट फेज 2 मिल गया, और फेज 2 पे अब हम लोग जा रहे हैं सीधा। आप नीचे देखोगे तो ये फेज 1 है, एक्चुअली सारी एक्टिविटीज आपको यहीं पे करने के लिए मिलेंगी, फेज 2 पे कुछ नहीं मिलता। सो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट वहाँ पे बिताएंगे और वापस आएंगे, फिर सारी चीजें जो भी करनी है हम लोग यहाँ पे करेंगे, मे बी रील भी बनानी है। अरे 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 बंद हो जाती है बीच में ना ये, आ जाओ ना दोनों साथ में बैठेंगे ना पागल आदमी। ज्यादा ठंड लगेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम अपना दे देना मुझे, ये बहुत ही स्लो जाती है भाई, ये बहुत स्लो जाती है, बर्फ ही बर्फ है जी, बर्फ आते भी आ गई है और भी आ गई है, हर जगह आ गई है बर्फ बर्फ। ओ तेरी मेकअप पे कोई कमी नहीं छोड़ी है, सुबह सुबह भी लिपस्टिक देना मेरी, चश्मा लगाई है क्या? अभी क्यों लगाना चश्मा, सारी बर्फ का कलर ही बदल गया। एकदम ट्रेन वाला चश्मा ले लिया हमने ना, जो ट्रेन में पापा लास्ट टाइम उठाए थे ना, अरे आंख में रख गई तो। बड़ा मजा आ रहा है जी, बड़ा मजा आ रहा है, हम ही दो हैं, सिर्फ हम दो, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो गया दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो गया दोस्तों, मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है, ऐसा
हो गया दोस्तों। तुम ओ यार रुक क्यों गए जे? चूल्हा ना चलाओ सानू, अप्पा नहीं डर दे, अप्पा नहीं डर दे। एंड में देख लो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वो हिमालय की चोटियां हैं। वो तो नहीं सकती मेरे ख्याल से। हाँ बेबी वो हिमालय ही है। देखो क्या बर्फ के बीच में कैसे सक 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 बना हुआ है। ये बर्फ के बीच में जितने निशान है ना, ये सब जो स्कीयर्स है ना उनके हैं, स्कीइंग करते हैं जो ऊपर से नीचे जाते हैं बेचारे। एक बार अगर उनका हो जाता है, देखो आधे घंटे में नीचे पहुंच जाते होंगे, 20 मिनट में। फिर दोबारा मन करता होगा तो फिर चढ़ते होंगे। हाँ करना ही पड़ता होगा, कितनी मेहनत कर रहे हैं सुबह सुबह। हम लोग अपने बिस्तर से नहीं निकल पाते, ये पता नहीं क्या लंबी लंबी डंडियां पहन के निकलते हैं यार। अपने अंदर अगर इतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती ना तो अपन भी कहीं और ही होता जिंदगी में। होता लेकिन अपन को तुपन मिल गया। अपन को क्या मिल गया? अपन को तुपन मिल गया, तुपन ने हमको अपन को और भी डाउन कर दिया। ये मेरी बात हो रही है क्या? तो तुपन मैं ही हूँ। कहते हैं आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला एक साथी चाहिए, एक हम सफर जो आपकी उंगली पकड़े और आपको आगे को खींच ले। तुमने उंगली पकड़ी, उसके बाद मेरा गला ही पकड़ लिया। जिंदगी में आगे कख बढ़ना था, यहाँ पहुंचे गंडोला राइड एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। पहुंच गए हम लोग यहाँ तो अभी कोई नहीं पहुंचा अभी भी। हमारे अलावा एक ग्रुप है बस यहाँ पे और कोई भी नहीं है। मैगी वाला भी गया। मैगी वाला ही बग गया। मैगी 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 बग गया। बर्फ है चलने के लिए, देख रही हो? हाँ पहले उधर तक नहीं जा पा रहे थे। हाँ। मुझे बता रहा था कि ध्यान से चलो, ध्यान से चलो, ध्यान से चलो, खुद गिरा ओंधे मुंह। अरे उस स्कीयर्स को भाग के देखना, दो मिनट में। हाँ वो देखो वो। अरे यार चलो चलो उनको देखते हैं। बेबी नहीं देख सकते ना, उसमें तो वो अभी ओंधे मुंह गिरे हो। क्या मस्त गए वो। हाँ वो देखो यार, ये क्या यार? बात है यार, ये सीखना है। चलो चलो यहाँ से, सीखना है का बच्चा। वो देखो जी कितना ऊपर तक जा रहे हैं। वो देखो ये चढ़ कैसे पा रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तेरे कितना प्यारा छोटू सा एक बच्चे का ग्लव्स मिला। अले चुंचा का ग्लव्स। अले अले अले। हम लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं कि ये जितने भी स्कीइंग करने के लिए फॉरेनर्स आए हुए हैं ना, ये यहाँ से शुरुआत करें तो हम इनको देखे जाते हो। क्योंकि कुछ को दूर से देखा था, बहुत मजा आया यार, क्या इनकी आर्ट है और क्या बैलेंस करते हैं ये लोग। लेकिन ये लोग तैयार होने में इतना टाइम लगा रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि दुल्हन हो गई है और तैयार ही नहीं हो पा रही शादी होने वाली। तो हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं यार। ये सब लेके नीचे उतरेंगे, यही कर सकते हैं ये ताम झाम। इतना इतना तैयार होना, इतना उतारना, पैक अनपैक करना, हमें तो सीधा कुदा दो। चल नीचे पैक ही दो। चलो बेबी आई थिंक एक बंदा रेडी हुआ है, देखिए क्या। लेकिन वो टीम में निकलते हैं ना, झुंड में जाते हैं। चलो वो अभी दे विल ट्रैक अपसाइड, जिनको यहाँ से जाना था वो गए। ओके ओके ओके। दोस्तों पिछली बार की जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से हम लोग एकदम करेक्ट टाइम पे निकल गए, बिना हमारी सांस चढ़ने से पहले ही। क्या बोल रहे हो? चॉकलेट खा रहे हैं। एक पीस मुझे भी दे दो। ओह छोटा सा भी ज्यादा है। बस नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छी है चेरी की माँ हो ना तुम भी, चोर हो। वो बॉल चुराती है। चल 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 फेज वन। हुआ दरवाजा बंद, हम निकल पड़े फेज टू से। अब सारी एक्टिविटी करेंगे फेज वन में जाके, वहीं पियेंगे सबसे पहले कॉफी। We'll be right back.